सीरियल किलर नाम आते ही आपका दिमाग में एक खूंखार दरिंदे की छवि उभर कर आपको चौंका देती है। दरअसल सीरियल किलर्स होते भी ऐसे ही है जिनके कारनामे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आज नॉलेज की दुनिया में आपको एक ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में बता रहे हैं। ये दुनिया दरिंदों से भरी पड़ी है। काफी लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो अपने फायदों के लिए दूसरों की जान ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दरिंदे भी छुपे पड़े हैं ये जो सिर्फ आदत की वजह से खुद के वशी ख्वाब पूरे करने के लिए लोगों को मार देते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही एक खूंखार सीरियल किलर थियोडोर रॉबर्ट कोवेल उर्फ टेड बंडी के बारे में। 24 नवंबर 1946 को अमेरिका के बलिंगटन में जन्मे टेड पर 36 हत्याओं के आरोप साबित हुए थे। हालांकि उसने 100 से ज्यादा हत्याएं की थी। ये निर्विवाद नरेशन हत्यारा था। आज जानेंगे उसके जीवन के बारे में। क्या यह इंसान जन्म से ही हैवान था या फिर इसके दिमागी हालात इसके इस कदर खूंखार बनने के पीछे के कारण थे। वीडियो को आखिर तक देखिए, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। टेड बंडी अपनी माँ की अवैध संतान था। एलिजाबेथ की एक गलती के कारण टेड का जन्म हुआ। अविवाहित माताओं के शेल्टर होम से उसकी असली माँ एलिजाबेथ उसे अपने माँ बाप के घर ले गई, जहाँ उसे विश्वास दिलाया गया कि उसके नाना नानी उसके माता पिता हैं और उसकी माँ उसकी बड़ी बहन है। अब एलिजाबेथ जो उसकी असली माँ थी वो उसकी बड़ी बहन बन गई। टेड जब 4 साल का था तो एलिजाबेथ वाशिंगटन शिफ्ट कर गई, जहाँ उसे एक मिलिट्री के कुक के साथ प्यार हो गया। बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। मई 1951 में जॉनी बंडी के साथ एलिजाबेथ की शादी के बाद टेड को अपने सौतेले पिता का अंतिम नाम बंडी काफी पसंद आया और उसने तय किया कि वह अपना नाम बंडी ही रखेगा। टेड के सौतेले पिता ने काफी कोशिश की कि भावनात्मक रूप से टेड से उनका जुड़ाव हो, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए। टेड का अपने सौतेले बाप से बिल्कुल नहीं पटता था और उसे शुरू से ही अकेला रहना पसंद था। जहाँ भी जाता अकेले ही जाता, इस कारण उसके बचपन में दोस्त भी नहीं बन पाए। जैसे वो स्कूल में जाने लगा उसमें अलग बदलाव आ गए। दोस्तों में घुलना मिलना वो पसंद करने लगा उसके अच्छे स्वभाव के कारण। अपने हाई स्कूल के दिनों में अपने दोस्तों के बीच टेड काफी लोकप्रिय था। उसका झुकाव राजनीति की तरफ था और उस दिशा में वो अपनी जगह बनाना चाह रहा था, लेकिन किस्मत का खेल किसे समझ में आया है। यूनिवर्सिटी के दिनों में साल 1967 में उसके जीवन में एक लड़की आई जिसने उसका जीवन बदल दिया। टेड की एक ऐसी लड़की से मुलाकात हो गई जिस तरह की लड़की वो चाहता था। दिखने में वह सुंदर थी और कैलिफोर्निया के एक समृद्ध परिवार से उसका नाता था। वह टेड का पहला प्यार थी और उनके बीच काफी लगाव हो गया था। उसके साथ उसने शारीरिक संबंध भी बनाए। टेड उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गया था। इसके बावजूद उस लड़की को टेड पसंद नहीं था। उसे लग रहा था कि टेड पति बनने के लायक नहीं है। साल 1968 में उस लड़की ने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से ग्रेजुएशन किया और टेड से अपना नाता तोड़ वह वापस कैलिफोर्निया चली गई, लेकिन टेड उस महिला को भूल नहीं पाया। इस दौरान टेड बहुत अकेला हो गया, प्यार के धोखे से उभरने ही वाला था। तभी साल 1969 में टेड को पता चल गया कि कल तक जिसे वह अपनी बहन समझता था दरअसल में वह उसकी बहन नहीं बल्कि माँ थी, और जिन्हें वो अपना माँ बाप समझता था वो उसके नाना नानी थे। इस जानकारी का उस पर गहरा असर पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी बात उससे छुपाई जाएगी। इस घटना का टेड पर ऐसा असर पड़ा कि उसका स्वभाव उग्र हो गया, लेकिन बाद में उसने खुद को संयमित कर लिया। उसने मनोविज्ञान की पढ़ाई करने के लिए एक बार फिर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एलिजाबेथ केंडल से हुई। एलिजाबेथ के साथ उसका अफेयर 5 साल तक चला। वह उसे बहुत प्यार करती थी और उसे अपनी बेटी के परफेक्ट पिता के रूप में देखती थी। पेशे से सेक्रेटरी एलिजाबेथ तलाकशुदा थी। शादी के नाम पर टेड ये कहकर इनकार कर जाता कि अभी उसे बहुत कुछ करना है, लेकिन एलिजाबेथ को भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक बार 3 साल के एक बच्चे को डूबने से बचाने के लिए सिएटल पुलिस ने उसकी सराहना भी की थी। एक अच्छा इंसान, दोस्त और बेटा, सभी किरदार इस दर अच्छे निभाने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जो टेड 100 से ऊपर हत्या करने वाला नरेशन हत्यारा बन गया? क्या ये कोई मानसिक विकृति उसमें अचानक उत्पन्न हुई थी या ये शैतान बचपन से ही उसके अंदर छुपा था? टेड के अपराधों की लिस्ट में कई महिलाओं और बच्चियों के बलात्कार और क्रूर हत्याएं शामिल हैं। टेड के अपराधों की प्रत्यक्षदर्शी रह चुकी नीता नेली के अनुसार वह महिलाओं के साथ बलात्कार कर उनकी नरेशंस ढंग से हत्या कर देता था। टेड का शिकार बनी महिलाओं के शरीर पर कई घाव भी पाए गए थे और उनकी शरीर की हड्डियां भी टूटी पाई गईं। बंडी ने 30 हत्याओं को स्वीकार किया और 24 जनवरी 1989 को सुबह 7:13 पर उसे इलेक्ट्रिक कुर्सी पर मौत की सजा दी गई। बताया जाता है कि टेड की मौत के बाद जेल के बाहर मौजूद लोगों ने जश्न मनाया था।